पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार क्वांटम पार्टिकल एक ही समय पे बहुत से आयामों में मौजूद होते हैं और वो एक साथ जुड़े भी रहते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट या स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहते हैं, जिसके मुताबिक अगर अर्थ पे कोई क्वांटम पार्टिकल मौजूद है और वो इंटेंगल्ड है किसी और दुनिया, स्पेस या पैरेलल यूनिवर्स के पार्टिकल से, तो अगर अर्थ पे मौजूद पार्टिकल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो उसका असर इंटेंगल्ड पार्टिकल पर भी जरूर पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार क्वांटम लेवल पे एक ही चीज़ के कई वर्जन्स या कहें तो फोटोकॉपीज मौजूद होते हैं, और साइंटिस्ट के अनुसार हम सब आसपास की सभी चीज़ें सब क्वांटम पार्टिकल से ही मिलकर बनी हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हम सबके यहाँ तक अर्थ के कई वर्जन्स मौजूद होने चाहिए, जिसके अनुसार इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में अर्थ अपने अलग अलग स्टेट में होगी, और ऐसे ही हमारे कई वर्जन्स मौजूद होंगे जहाँ हम अपने अलग अलग स्टेट में होंगे। कहीं हम बहुत रिच होंगे तो कहीं हम बहुत गरीब, तो कहीं पर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। पर लोग इस थ्योरी को बकवास मानते थे जब तक कि एक महान साइंटिस्ट की इक्वेशन ने इसको प्रूफ ना कर दिया। तो उस महान साइंटिस्ट का नाम था एर्विन रुडोल्फ जोसेफ एलेक्जेंडर स्क्रोडिंगर, जिन्हें हम शॉर्ट में एर्विन स्क्रोडिंगर के नाम से भी जानते हैं। इनकी इक्वेशन से पहले लोग क्वांटम मैकेनिक्स को झूठ मानते थे और कहते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम केवल सब एटॉमिक पार्टिकल पर लागू होते हैं, बट इनके एक थॉट एक्सपेरिमेंट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। उनके थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एक ही चीज़ के कई रूप होते हैं जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि एक गिफ्ट बॉक्स आपको कहीं पड़ा हुआ मिलता है तो आपको नहीं पता उसमें क्या हो सकता है जब तक आप उस बॉक्स को खोलते नहीं हैं। पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से उसमें चॉकलेट्स भी हो सकती हैं, कोई बुक हो सकती है, कोई शर्ट या फिर कोई फोटो फ्रेम या कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं आप जब उस बॉक्स को खोलते हैं उसमें आपको शर्ट मिलती है, पर सोचो शर्ट ही क्यों मिली और कुछ क्यों नहीं? स्क्रोडिंगर के अनुसार आपके ऑब्जर्वेशन की वजह से नेचर को तुरंत एक कदम उठाना पड़ा, जिसकी वजह से सभी पॉसिबल रियलिटीज़ बदल गई और उन्हीं पॉसिबल रियलिटीज़ में से आपको एक रियलिटी देखने को मिली। पर वो सारी रियलिटीज़ गायब नहीं हुई, जबकि वो किसी और यूनिवर्स या कहें तो पैरेलल यूनिवर्स में सच साबित हो गई। मतलब किसी यूनिवर्स में आपको उस बॉक्स में चॉकलेट्स मिली और किसी दूसरे यूनिवर्स में आपको बुक्स मिली और कहीं पर आपको फोटो फ्रेम मिला उसी बॉक्स में। और इस बात को सच करती है स्क्रोडिंगर की कैट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी। 19वीं सदी की शुरुआत से साइंटिस्ट मानते थे कि क्वांटम फिजिक्स एक कोरी बकवास है। अगर उसको हम किसी बड़ी वस्तु से कंपेयर करें तो सारे क्वांटम रूल्स बकवास साबित होंगे। मतलब जैसे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार क्वांटम पार्टिकल जब तक ऑब्जर्व नहीं किए जाते तब तक वे अपने सारे पॉसिबल स्टेट में रहते हैं, मतलब वेव या पार्टिकल वे, और जैसे ही हम उसको रिजल्ट के रूप में इंस्ट्रूमेंट द्वारा देखते हैं वो अपने सभी पॉसिबल स्टेट में से किसी एक का चयन कर लेते हैं, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। और इसी को समझाने के लिए स्क्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। तो आओ जानते हैं महान फिजिसिस्ट एर्विन स्क्रोडिंगर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। एर्विन स्क्रोडिंगर का जन्म 12 अगस्त 1887 को वियना में हुआ था और उन्हें 1933 में फिजिक्स के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे क्वांटम थ्योरी के बारे में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से क्वांटम मैकेनिक्स के फ्लॉड इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए बिल्ली से जुड़े सुपरपोजिशन थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स की कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन अनिवार्य रूप से यह बताती है कि फिजिकल स्टेट में एक वस्तु एक साथ सभी संभव कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट में मौजूद हो सकती है, लेकिन उसको हमारा ऑब्जर्व करना
सभी पॉसिबल स्टेट में से केवल एक को चुनने के लिए मजबूर करता है। और स्क्रॉडिंगर इसी बात को समझाने के लिए एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके अनुसार एक बॉक्स के अंदर बिल्ली को रख दिया गया है और उसके साथ साथ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम भी स्मॉल अमाउंट में रख दिया है और उसके साथ एक साइनाइड जहर की सील्ड सीसी, जिसके जस्ट ऊपर एक हथौड़ा रख दिया गया है जो कि एक गीजर काउंटर सेंसर से जुड़ा हुआ है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की मात्रा काफ़ी कम है, जिसके डिके होने के चांस एक घंटे के भीतर भीतर 50-50 हैं, यानी वो डिके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बॉक्स को सील कर दिया गया है और बॉक्स को घंटे भर के लिए छोड़ दिया गया है। यदि इस एक घंटे के भीतर भीतर गीजर काउंटर ने रेडिएशन का पता लगाया तो हथौड़ा जहर की सीसी पर गिरेगा, जिससे जहर फैलेगा और बिल्ली मर जाएगी। लेकिन जब तक किसी ने कंटेनर नहीं खोला है, तब तक यह अनुमान लगाना असंभव है कि बिल्ली का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार जब तक सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन में कोलैप्स नहीं हो जाता, तब तक बिल्ली जीवित और मृत दोनों सुपरपोजिशन स्थिति में मौजूद होगी। यानी उस बॉक्स में बिल्ली एक ही टाइम पे अपने सभी पॉसिबल स्टेट में होगी और यहाँ केवल दो ही स्टेट पॉसिबल हैं, जिंदा या मरी हुई। मतलब उस बॉक्स में बिल्ली एक ही टाइम पे जिंदा भी हो सकती है और मरी हुई भी हो सकती है। और जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो हमको रिजल्ट सामने मिलता है, जिसमें दो पॉसिबल स्टेट में से कोई एक हमें मिलेगा। अगर हम इसको अपने लेवल पे समझें तो यदि जहर की सीसी टूटी हुई होगी तो बिल्ली बॉक्स में पहले ही मर गई होगी, और यदि नहीं टूटी हुई होगी तो बिल्ली जिंदा ही मिलेगी। और हम उसको चाहे ऑब्जर्व करें या ना करें, वो दोनों स्टेट में कभी नहीं हो सकती, चाहे बॉक्स बंद ही क्यों ना हो। और अगर हम इसको रिपीट करें तो हमको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कभी बिल्ली मरी हुई मिलेगी या जिंदा मिलेगी, पर दोनों कभी नहीं। पर स्क्रॉडिंगर के हिसाब से नेचर सभी पॉसिबिलिटीज़ को अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में खोलती है, जहां सारी संभावनाएं वास्तव में हकीकत बन जाती है। अगर अर्थ पे स्क्रॉडिंगर की बिल्ली मरी हुई मिलती है तो उसके अपोजिट स्क्रॉडिंगर की बिल्ली किसी दूसरी अर्थ पे जिंदा मिलेगी। और इसको खुद प्रूव करती है मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी, जिसके हिसाब से किसी भी चीज़ के होने की कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी अपनी अर्थ की तरह ही कई अर्थ मौजूद हैं, जहां हमारी ही कॉपीज अपने सपने को पूरा करने में लगी हुई हैं। मतलब कहीं किसी और पैरेलल यूनिवर्स के अर्थ पे अभी हमें पहिया बनाने का भी ज्ञान नहीं मिला होगा, और कहीं किसी दूसरी अर्थ पे हम बहुत एडवांस हो चुके होंगे, जहां हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज का ज्ञान मिल चुका होगा जहां हम स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रेवल कर रहे होंगे। और मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से यह सच भी साबित हो चुका है कि क्वांटम सुपरपोजिशन इलेक्ट्रॉन और क्वांटम पार्टिकल जैसी छोटी चीज़ों के लिए काम करती हैं। तो हम भी तो क्वांटम पार्टिकल से ही मिलकर बने हैं, तो क्या पता हम भी सुपरपोजिशन अवस्था में हों और अर्थ की तरह ही कई अर्थ मौजूद हो, जहां कई आप हो सकते हैं और कई मैं भी हो सकते हैं, और हमारा अल्टरनेटिव्स किसी बड़े सपने को पूरा कर रहा होगा। और क्या पता हम भी किसी पैरेलल यूनिवर्स में हों, जहां हम अपने दूसरे रूप के सपने पूरे करने में लगे हों। तो आपका क्या कहना है, क्या सच में क्वांटम पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।